नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। गोंडा जनपद में अपने विवादों से चर्चित रहने वाली तहसील तबरगंज में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि लेखपाल जितेंद्र पाल ने जीवित किसान हरिराम को मृतक दिखाकर उसके नाम के दूसरे व्यक्ति के परिजनों के नाम कर दिए वरासत। पीड़ित किसान की उसी सदमे में वर्षों पहले मौत हो गई थी। साल भर पहले कुछ फर्जीवाड़े से पीड़ित परिजन काट रहे हैं तहसील के चक्कर, फिर भी अभी तक खतौनी नहीं हो पाई दुरुस्त। हमारा नाम जसवंत सिंह है, मैं कटहापुरे लीला का निवासी हूँ। क्या मामला चल रहा है आपका तहसील में? हमारा मामला, हमारे पिताजी का जो है खतौनी था, वो हमारे गांव के दूसरे व्यक्ति के नाम वरासत हो गया है। एक साल से मैं तहसील आ रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसके नाम हो गया है वरासत? हमारे पिताजी के हरिराम के नाम से दो आदमी थे हमारे गांव में, एक दूसरे वाले हरिराम के लड़के के नाम वरासत हो गया है। कैसे हुआ ये? किसने? ये जितेंद्र नेकपाल ने किया है। अच्छा। और मैं जो है एक साल से आ रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। उसी से हमारे पिताजी जीवित थे, जब ये वरासत हुआ तो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसी सदमे में खत्म हो गए। कितने दिन बाद वरासत के? कितने? 7 दिन के बाद खत्म। 7 दिन बाद आपके पिताजी खत्म हो गए। अभी आपके नाम से खतौनी नहीं हो पाई? अभी हमारे नाम से खतौनी नहीं हुई है, ना हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान सम्मान निधि कोई नहीं मिल रहा है ना। 2000 रुपए महीने मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा खतौनी सही हो और नेकपाल के ऊपर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई हो उनके ऊपर? उनको सस्पेंड किया जाए।